नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, यह उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को करने के बाद आप अगर कोई तकलीफ में है, कोई संकट से घिरे हुए हैं, तो आपको गजब की राहत महसूस होगी। शत्रुओं से आप घिरे हुए हैं, गजब की राहत आपको महसूस होगी। वैसे शत्रुओं से बचने के लिए दोस्तों मैंने बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की हुई है, और यह है टोंगलाई। इसे आप अपने घर में जरूर रखें। बुरी नज़र, हाय, बद्दुआ, भूत पिशाच इत्यादि से ये आपकी रक्षा करती है। इसका घर में होना ही तमाम चीज़ों से आपका रक्षण करना है। इसका काम ही रक्षण करना। अगर ये आपके घर में चौखट में इसको आपने टांग दिया है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी विरोधी चीज आपके घर के अंदर एंटर नहीं होगी। एंटर हुई तो उसकी शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। दूसरी चीज है दोस्तों, घोड़े की नाल। ये देखिए, घोड़े की नाल को जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसी तरीके से इसको आपको अपनी चौखट पर बाहर की तरफ लगा देना है। घर में कोई भी नेगेटिव चीज एंटर नहीं होगी। दूसरा, इसको लगाने से व्यक्ति के घर में जो उसके नौकरी है, धंधा है, उसमें अच्छे से बरकत होती है और उसका भाग्य खुलता है। तो इसे आप जरूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके सिवाय दोस्तों मैंने एक और चीज़ अभी इंट्रोड्यूस की है, हाँ, लेकिन उसका स्टॉक बहुत कम है। जिनको मिल जाएगी उनको मिल जाएगी, वो है नाव की कील। कुछ मेरे पास अभी आ गई है, तो जिन्हें भी नाव की कील चाहिए वो उसे बुक करा दे और ले ले। शुरुआत में ही कुछ लोगों को जिनको मिलनी है उनको मिल जाएंगी, बाकी तो इसका स्टॉक है नहीं इतना ज़्यादा। ये नाव जो पुरानी नाव पड़ी होती हैं उनमें से कील निकाली जाती है, या फिर नाविक आपको निकाल करके दे दे तो आपको मिलती है। नाव की कील मिलना असाधारण होता है, हर जगह ये चीज़ नहीं मिलती। आप इसका छल्ला बनवा करके भी पहन सकते हैं अपनी मध्यमा उंगली में, या फिर आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों आपकी किस्मत को चमका देती है। और आपको एक उपाय बताऊं कि शनिवार के दिन या रविवार के दिन आप अपने पैर के मोजे, वो मोजे जिनको आपने काफ़ी दिनों तक पहना हो, उन मोजों को आप ऐसी जगह जाएं जहां थोड़ा वीरान हो और पैर आपकी साइज का, आपकी जितनी साइज है उतनी ही साइज का कोई पेड़ है। अगर कांटे वाला पेड़ है तो बहुत अच्छा है, उसमें आप अपने पुराने मोजे टांग करके घर में चले आए। आपके ऊपर जितनी भी नजर, हाय, बद्दुआ है, वो सब दूर हो जाती है। ये चीज आपके ऊपर से नेगेटिविटी को हटा देती है, पॉजिटिविटी आपके पास आ जाती है। क्योंकि बम्बूल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजों का वास होता है, कांटे वाले जो पेड़ होते हैं उसमें कितनी अतृप्त आत्माओं का वास होता है जो आपकी इच्छा पूरी कर। तो आप अपने मोजे, क्योंकि मोजे के अंदर आपकी शक्ति निहित होती है, तो जरूर आप उसे टांग दें, शनिवार के दिन या रविवार के दिन, दोनों ही दिन टांग सकते हैं। रिजल्ट देखें, बहुत बढ़िया आएगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।